इंदौर में फर्जी क्लिनिक और अस्पताल संचालकों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। इसी को लेकर प्रशासन ने डॉक्टर अनिल घई के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की और धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपी डॉक्टर की तलाश शुरू कर दी है। मामला भोरकुआ थाना क्षेत्र के भोलाराम उस्ताद मार्ग का है, जहां के डॉक्टर अनिल एस घई द्वारा फर्जी क्लिनिक संचालित किया जा रहा था, जिसको लेकर पूर्व में हुई शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग मेडिकल ऑफिसर द्वारा खुद की डिग्री और अस्पताल संबंधित दस्तावेज मांगे गए थे, लेकिन डॉक्टर द्वारा किसी भी हॉस्पिटल को संचालित करने से इनकार किया गया था। वहीं कल मेडिकल ऑफिसर द्वारा सर्चिंग करने के बाद वहाँ मरीजों का उपचार किया जा रहा था, जहां मेडिकल ऑफिसर की शिकायत पर पुलिस ने डॉक्टर अनिल एस घई सहित अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ये 168 भोलाराम उस्ताद मार्ग में एक जो बिना पात्रता का एक नर्सिंग होम चलाया जा रहा था, उस पर CMHO इंदौर ने पहले उनको नोटिस दिया था। डॉक्टर अनिल घई नाम से जो क्लिनिक संचालक थे, और नोटिस में स्पष्ट तौर पे कि आपको पात्रता नहीं है अस्पताल चलाने की यहाँ पर, और आपका अस्पताल जो चल रहा है इसको तत्काल बंद करें। अनिल घई के द्वारा उनको शपथ पत्र पर यह सूचना दी गई थी कि मेरे द्वारा कोई अस्पताल वहाँ चलाया नहीं जा रहा है और भविष्य में भी चलाया नहीं जाएगा। लेकिन आज जोनल मेडिकल ऑफिसर के द्वारा जब वहाँ चेक किया तो वहाँ मरीज भी भर्ती पाए गए और उनको जो बॉटल है वो चढ़ रही थी वहाँ पर, उनके द्वारा वहाँ पर मौके की कार्रवाई करने के पश्चात थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कराने हेतु एक लिखित आवेदन दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया गया था, और उस आधार पर डॉक्टर अनिल घई और एक अन्य जो वहाँ पर इलाज करते हुए व्यक्ति पाए गए थे उनके विरुद्ध धारा 420 IPC और धारा 2425 मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, विवेचना की जा रही है। सर, डॉक्टर के पास भी डिग्री मिली? डॉक्टर की डिग्री जो जांच की गई है CMHO इंदौर के द्वारा, जो उनकी टीम के द्वारा जांच की गई है, तो उनकी डिग्री वैलिड नहीं पाई गई है, और उसी आधार पर उनके यहाँ जो अस्पताल चलाने की जो कार्रवाई की जा रही थी उसको भी अवैध पाया गया, इस कारण से उनके द्वारा ये संपूर्ण प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की गई। सर, गिरफ्तारी अभी इनकी तलाश चल रही है।